नमस्कार दोस्तों, हमारे होम रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पाव वड़ा। पाव वड़ा बनाने के लिए पहले हमने बेसन लिया है, उसमें थोड़ा सा अजवाइन और मंगरेल डाल लेंगे, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मिर्च पाउडर और एक चुटकी खाने वाला सोडा और एक चुटकी हींग डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। तो हम इतना सब कुछ डाल लेंगे, उसके बाद पानी डालकर घोल बनाएंगे। घोल गाढ़ी होनी चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो हम मिला लेते हैं इसको अच्छे से, ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे। तो हम इस प्रकार अच्छे से घोल लेंगे। सोडा डालना ज़रूरी है, थोड़ा उसे सॉफ्ट होता है, इसीलिए हम सोडा डाले हैं। और इतना ही घोल बनाएंगे, ज़्यादा गाढ़ा नहीं। और इसमें पाव डालेंगे, अच्छे से उसको दोनों तरफ से मिला लेंगे और मीडियम फ्लेम पर तेल गरम करके उसमें हम इस तरह डाल दिए। ज़्यादा फ्लेम ज़्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो अंदर का कच्चा रहेगा और ऊपर से ज़्यादा पक जाएगा, इसीलिए हमें मीडियम फ्लेम में करना है। तो देखिए हमारा पाव वड़ा। हम इसको पलट लेंगे और ब्राउन कलर करेंगे, ज़्यादा लाल नहीं करेंगे। तो देखिए इसी कलर में करना है आपको। तो हमारा पाव वड़ा रेडी हो गया। पाव डालकर थोड़ा सा हाथ से उसको दबा के रखेंगे ताकि वो ऊपर नहीं निकले। तो हमारा पाव वड़ा तैयार हो गया है। इसी प्रकार आपको बनाना है। पाव वड़ा बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा सामान भी नहीं लगता। देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो आपको इसी तरह बनाना है। आप चाहे तो चटनी के साथ या केचप के साथ या हरी मिर्च के साथ भी खा सकते हैं। अगर हमारा रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट